मॉर्निंग। देखिए, आज न्यूटन का गति का तीसरा नियम ये हम करने जा रहे हैं। बहुत खास है, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, जब भी आप किसी एक वस्तु पे बल लगाते हैं तो वो वस्तु भी आपके आप पर उतना ही बल लगाती है। इसने क्या कहा, जब भी आप किसी एक वस्तु पे बल लगाएंगे, सपोज़ मैं बल लगा रहा हूँ दीवार के ऊपर, ओके, बोर्ड पर मैं बल लगा रहा हूँ यहाँ पर, तो ये बोर्ड भी मेरे ऊपर बल लगाएगा, उतना ही लगाएगा। लेकिन सवाल यह है, दिशाएं विपरीत होंगी। मैं अगर बोर्ड पे अंदर की तरफ बल लगा रहा हूँ तो बोर्ड मेरे मुझ पर ऊपर की तरफ, इधर बाहर की तरफ बल लगाएगा, राइट। ये बात यहाँ पे लिखी गई है। अब देखें, इसको आप दूसरे शब्दों में सिर्फ इतना भी बोल सकते हैं कि प्रत्येक क्रिया की प्रतिक्रिया भी होती है। हर एक क्रिया जो भी आप काम करते हैं तो उसकी प्रतिक्रिया भी होती है। अब इसका उदाहरण देखिए। सबसे पहले देखिए रॉकेट का उड़ना। रॉकेट कैसे उड़ता है? जब आप रॉकेट उड़ाते हैं ना, तो इसमें क्या होता है, ये जो गैसेस भरी होती हैं, ये गैसेस नीचे की साइड से गैसेस निकलती हैं एक साथ, तो गैस बहुत सारी गैसें एक नीचे से निकलेंगी, नीचे को निकलेंगी, एक बल लगेगा नीचे को गैस की तरफ। तो ये रॉकेट पे बल किधर लगेगा? रॉकेट पे बल लगेगा ऊपर की तरफ। तो इस तरह से गैस जितनी नीचे को निकलेगी उसी बल से विपरीत दिशा में इस रॉकेट पे एक बल लगेगा और ये उड़ना शुरू कर देगा, राइट। ये था इसका बहुत बहुत ही अच्छा एग्जांपल। अब दूसरा आप लोग देख सकते हैं, बंदूक से जब आप लोग गोली चलाते हो तो बंदूक से गोली चलने के बाद आपको थोड़ा झटका लगता है पीछे की तरफ, गोली निकल के जाएगी आगे की तरफ, ओके, और झटका लगेगा आपको पीछे की तरफ। तो आपका हाथ ऐसे करता है, देखना मूवीज़ में देखते हो आप लोग, तो जब गोली चलाते हैं तो ये हाथ पीछे आता है जबकि गोली आगे निकल के जाती है। तो गोली जिस बल से आगे निकल के जाती है, जितने फोर्स से, उतना ही फोर्स, उतना ही बल वो पीछे की तरफ आप पे लगाती है, तो आपका हाथ ऐसे हो जाता है। नेक्स्ट इसका तीसरा एग्जांपल है, अगर आप कुएं से जल खींच रहे हो, रस्सी से बाल्टी बंधी होती है, तो जल खींचते समय क्या होता है, अगर रस्सी अचानक से टूट जाए तो आप कहाँ गिरेंगे? पीछे गिरेंगे। तो इसका मतलब यह है, देखो बाल्टी ने बल लगा रखा था उस पर, रस्सी ने जो बल लगा रखा था आप पे, वो नीचे की तरफ था मतलब आगे की तरफ, और आप लोगों को गिरना पड़ेगा फिर पीछे की तरफ, क्योंकि अपोजिट उल्टा और उतना ही बल लगता है, ठीक है। तो ये था तीसरा नियम।